हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है GSEB SSC रिजल्ट 2018। गुजरात बोर्ड टू डिक्लेयर क्लास 10 रिजल्ट टुमारो एट 8 AM। चेक स्कोर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट GSEB.org। सो गाइस, कल आपका जो रिजल्ट है 8 AM पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। GSEB SSC रिजल्ट 2018 डिक्लेयर कर देने के बाद GSEB SSC रिजल्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा गुजरात बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है GSEB.org में। तो गाइस, आपका जो रिजल्ट है वो कल सुबह 8 बजे चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रिंट आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से, इसलिए ये जानने के लिए हमारा जो ये वीडियो है, ये वीडियो पूरा के पूरा देखिए एंड ईजिली आपका जो रिजल्ट है वो चेक करें, डाउनलोड करें एंड प्रिंट आउट करें। ओके गाइस, इससे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इन वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उन सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दे तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। द गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड इज एक्सिस्टेड टू डिक्लेयर द क्लास 10 एग्जाम रिजल्ट ऑन 28 मे। ए नोटिफिकेशन ऑन द बोर्ड्स ऑफिशियल वेबसाइट GSEB.org सेड द ऑफिशियल इशू इन गुजराती सेड दैट द रिजल्ट विल बी लाइव एट 8 AM। स्टूडेंट कैन चेक दियर GSEB SSC क्लास 10th रिजल्ट बाय लॉगिंग ऑन द बोर्ड्स ऑफिशियल वेबसाइट GSEB.org। It added, according to the notification, marks it will distributed between from 11 AM to 2 PM at respective district examination center on the same day. ओके गाइस, सो कल ही आपका जो मार्क्सिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो जाएगा 11 AM से लेके 2 PM तक के अंदर ही अंदर। ओके गाइस, सो गाइस देखते हैं किस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो अब चेक करेंगे। इसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनका लिंक आपको मिल जाएगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इन वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर। वैसे आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट हो सकते हैं। विजिट होने के बाद उनका जो ऑफिशियल होम पेज है वहाँ पर आपको रिजल्ट का एक लिंक मिलेगा, वो इस तरह GSEB SSC रिजल्ट 2018 करके। वो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोल नंबर एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल जो भी हो वो आपको ठीक से डालना होगा। डालने के बाद आपको वहाँ पर एक सबमिट बटन मिलेगा, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, दैट्स मीन सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद ही आपका जो रिजल्ट होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। देन गाइस, आपको तो पता है उसे चेक कर लेना है जल्दी से जल्दी एंड डाउनलोड प्रिंट आउट कर लेना है। ओके गाइस, हम लोगों की तरफ से आपके लिए छोटा सा हेल्प। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ जाते जाते दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।